रहे हैं एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज। मैं अनिश कुमार पाठक। आज यानी दिनांक 4/1/2021 दिन सोमवार को बक्सर कलेक्ट्रेट परिसर में पैक्स अध्यक्षों के मनमानी से धान न खरीदने को लेकर के परेशान होकर किसानों ने जिला अधिकारी से मिले। वहीं एक तरफ जहां किसान के हित की बात बिहार सरकार करती है, तो दूसरी तरफ यह वीडियो सरकार की पोल खोल दे रही है। क्या कहते हैं किसान, आप भी सुने। वीडियो साहब से आज हम 15 दिन से टच में, 3 बार उनसे मिल चुके हैं, अध्यक्ष यहाँ लगभग 7-8 बार मिल चुके हैं। विश्व साहब क्या बोले? विश्व साहब कह रहे हैं कि अध्यक्ष की इच्छा के अनुसार है, ये चाहेंगे तो धान लेंगे। आपने आवेदन में कतरनी धान और धान का वर्णन किया है, ये हम लोगों के पास कतरनी धान। अच्छा, जो कि जिसका महीन चावल। अच्छा ठीक है। विगत दिनों में स्टार्टिंग में ही हम डीपीओ साहब से बात किए तो कहे कि एकदम कतरनी लिया जाएगा। कहे कि कतरनी तो कोई किसान देता ही नहीं। वो एक सर हम पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी देने के लिए तैयार हैं। इतने अध्यक्ष हमारे जो है मार्केट मिला रहे हैं, जो मार्केट में रेट है उसके अनुसार ही हम लेंगे। स्टार्टिंग में कतरनी का रेट 1300-1400 था मार्केट में, तो इस वजह से जो है डी सी ओ साहब बोले कि नहीं लेंगे, एकदम लेंगे। आप अपने अध्यक्ष से मुलाकात कीजिए, वहाँ डी सी ओ हैं उनसे मुलाकात कीजिए। डी सी ओ साहब के हम लोग आए तो भी पहली बार कहे कि लेंगे, मतलब दौड़ाया जाएगा जी। लेकिन आज हम पहुँचे, हम सभी लोग पहुँचे जितने किसान हैं, तो बोले कि अध्यक्ष साहब यहाँ मतलब ये अपने अनुसार जैसे इनको होगा। अध्यक्ष साहब वहाँ आप पहुँच गए इसी बात के दौरान। तो क्यों बताया उन्होंने कतरनी क्यों नहीं लेंगे? वो कह रहे कि इसमें चावल का परसेंटेज कम आता है। हम कहें कि जो परसेंटेज आता है उसके अनुसार आप हमारा धान लीजिए, जो परसेंटेज है उसी के अनुसार लीजिए। जो 67% आपका माना शेड्यूल गवर्नमेंट तय की है, तो आई मिल की बात कि किस मिल पर हम कुटवाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जिस जो मिल टैग है पैसों से उसी मिल पर कुटवाना है। तो हम लोगों को सर वहाँ शंका है, वो लोग अपना गोलमाल करते हैं मिल वालों को गुड्डे लेकर, अब जो भी उनकी ब्रांडिंग हो क्या करते हैं उसमें। पर हमको उम्मीद, हम चाह रहे हैं कि हमारी अच्छी मिल के पर कुटे, जहां हम चाह रहे हैं उस मिल पर कुटवाया जाए। सरकार के 39 मिल है। एक मिनट सर, तो क्या लगता है कि ये हम जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। एमएसपी को कानूनी रूप देना जो है बहुत अनिवार्य है, और ये उससे मिलता जुलता ये मामला है जी। एक बिल्कुल उससे मिलता जुलता मामला, मनमानी है, एकदम मनमानी, एकदम मनमानी। बिहार से टैक्स खत्म। आज आप लोग कहाँ हैं? आज आप लोग कहाँ हैं? आज हम डीएम साहब जा रहे हैं, इससे पहले डीसीओ साहब क्या गए। क्या नंबर जी? मेरा नाम रामानंद राय है, इंदौर पैक्स है। जो लेने वाला धान है उसका वो सही रेट पर ले नहीं रहे हैं, कतरनी ले नहीं ले रहे हैं, और उसका जो है 1600 का रेट दे रहे हैं। मोटा धान का भी जो सरकार का 1868 का रेट है उसको नहीं दे रहे हैं, जब सर रसीदिए नहीं दे रहे हैं, पर्ची नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये लोग क्या करते हैं कि दो चार किसान का रसीद फर्जी बनवा करके व्यापारियों से धान लेकर गोदाम भर दे, कह रहे हैं कि गोदाम भरा हुआ है। अच्छा, व्यापारियों से धान लिया जा रहा है? व्यापारियों से धान लिया जा रहा है, किसान को कोई नहीं पूछ रहा है। अगर इसके लिए जांच बैठाई जाए किसानों को लेकर के, जो आवेदक हैं इसी चीज़ को लेकर जिला अधिकारी के पास। हाँ, हम लोग डी सी ओ साहब के गए, डी सी ओ साहब से हम लोग 10 बार बात किए हैं। डी सी ओ साहब कह रहे हैं कि से आप जो है किसी आप कुटवा लीजिए, तो हम लोग बोले कि हम लोग अपने हिसाब से मिल में कुटवाएंगे, आप हिसाब से नहीं कुटवाएंगे। किसान का बात मानिएगा ना, किसान का नहीं मानिएगा, किसान को बात को आप मानना है। लेकिन आप जो है किसान का बात कहते हैं कि नहीं, पैक्स अध्यक्ष जो करेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, आपके हिसाब से किसान के हिसाब से नहीं चलेंगे। प्रशासन भी नहीं, ना प्रशासन, कोई कुछ नहीं, कोई माई बाप नहीं। क्या नाम है आपका? श्री भगवान राय, जलीलपुर पैक्स। धान के 2 ग्रेड होला, ए ग्रेड बी ग्रेड। ए ग्रेड में महीन धान आवेला, बी ग्रेड में मोटका धान आवेला। हिजा जब हमने बी सी ओ साहब गई रही है जा, तो वहाँ का कहतन कि ए ग्रेड बिहार में है नहीं। सही बात, जबकि टीवी पर भी देखते हैं जा, हमने अखबार के माध्यम से भी जानते हैं जा, कि धान के 2 ग्रेड निर्धारित कर गई बा, दोनों के अलग अलग दाम निर्धारित कर, एगो के 1868 बा, एगो के 1888 बा। ए ग्रेड में जो आवेला वो महीन धान आवेला, महीने धान हमने के बा। ये लोग कहते कि एक में 50-52% आता चावल, हमने क्या कहते हैं जा कि हमने के सामने जो राउर मिल ट्रेड बाड़ी सन
वही में से जो हमनी के भी विश्वास जरा पर जमता रहो रही पैक्स अध्यक्ष रहो हमनी का रही जा सामने कुटवावल जा क्या आखिर परसेंटेज आवत का ए पर लोग तैयार नहीं के हो। दूसरा चीज पैक्स अध्यक्ष कहते हैं बहुत खर्चा बा पदाधिकारी पैसा लेते हैं वो रेट पर तो ना जा सकेला तमाम तरह के खर्च बा। आप धान कब से काट के परेशान वाले जी हमनी के 10-11 नवंबर के कटनी चालू हो गई रहे 15 से हमनी के बोनी चालू हो गई मतलब 15 से हमनी के धान तैयार पड़ल बा अभी तक किसान ना पड़ल बा जी खेत में निके पड़ल के दरवाजा पर रख ले बेंजा अपना सुविधा अनुसार कितना देर रख पाई जाओगी अब कहाँ सर समस्या तो बहुत भाई साहब रवि के ही में खेती करे के बा उधार खाद ले ले बा आदमी दूसरा से पैसा लेके और सब व्यवस्था बाड़ी सर जो कर अपन भी खर्च तो बा और कोनो आमदनी तो बा ना धाने से हमनी के धाने के बेच के हमनी के लेकिन के पढ़ावे लिखावे के बा आ आपन रोटी रोजगार के काम बा।